छत्तीसगढ़ में 21 तारीख को होने वाले मतदान के मद्देनजर आज मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। आज सभी मतदान केंद्रों के लिए बैलेट पेपर, मतपेटियां और मतदान सामग्री पहुंचाई जाएगी। इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव ईवीएम मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से होने जा रहे हैं, जिसके लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 नगर निगमों, 38 नगर पालिकाओं और 103 नगर पंचायतों समेत कुल 151 निकायों के लिए शनिवार को मतदान होगा। कुल 5,406 मतदान केंद्रों में 39,82,601 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में 2,840 वार्डों में 10,161 अभ्यर्थी मैदान में हैं। 1,458 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मतदान होने जा रहा है और जिसको लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई हैं लगातार जो है। और आपको बता दें, इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर जो है मतदान की प्रक्रिया होगी और मतदान को लेकर सारे चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह से भूपेश बघेल जिला न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता संघ के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर के की गई हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले राजभवन में एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सम्मेलन का वहाँ पर आयोजन है, जो महात्मा गांधी की जो सभी जयंती अभी पूरा देश मना रहा है, तो उसी कड़ी में राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, उसमें वो शामिल होंगे। उस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया विखे भी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा गृह मंत्री तामद्रत साहू भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम के कार्यक्रम की बात की जाए तो आध्यात्मिक सम्मेलन है इंडोर स्टेडियम में, वहाँ पर एक कार्यक्रम होना है, तो उसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा सीधे वो फिर अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में वहाँ पर शामिल होंगे, पूरा कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा उनके दिल्ली जाने की भी खबरें हैं, देर शाम वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। क्या कुछ तैयारियाँ दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर की गई है और किस चीज का प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित किया गया है जिसमें भूपेश बघेल शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में उनका एक निजी कार्यक्रम है और इसके अलावा कुछ नेताओं से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। इसके अलावा कल नगरीय निकाय का चुनाव है, तो उस संबंध में फीडबैक वो वहाँ पर दे सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे चुनाव में जो तैयारी थी वो प्रदेश कांग्रेस की कैसी थी, तो पूरी जानकारी वो कल दे सकते हैं। हालांकि उनका वहाँ पर निजी कार्यक्रम है, निजी संस्था द्वारा एक कार्यक्रम वहाँ पर होगा, उसी में वो शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्री से भी उनकी मुलाकात संभव है। हेमंत, 21 तारीख को मतदान होने जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर के तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से मतदान दल हैं जिन्हें रवाना किया गया है? देखिए ऋतु, प्रदेश के करीब 2840 वार्डो में कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, दो दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा कल देर शाम जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है राम ठाकुर राम सिंह, उन्होंने इंटेलिजेंस की बैठक ली थी और पूरी जो सुरक्षा है उसको लेकर वहाँ पर समीक्षा उन्होंने की थी, क्योंकि बस्तर दंतेवाड़ा जैसे जगहों पर भी चुनाव होना है, तो वहाँ की समीक्षा की गई कि सुरक्षा वहाँ पर किस तरीके से है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नक्सल इलाकों में छोटी छोटी जो वारदातें हैं वो चुनाव के समय होती है, तो उसी को रोकने के लिए वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है। और पूरे मतदान की अगर बात की जाए तो सुबह 8 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक मतदान नगरीय निकायों के लिए होगा, और इस बार सीधे महापौर का चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि पार्षदों का चुनाव हो रहा है, वार्ड में चुनाव हो रहा है,
पार्षद फिर चुनकर आएंगे, उसके बाद महापौर का चुनाव होगा। इसके अलावा पहली बार छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। पिछले बार की बात की जाए तो ईवीएम से चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो क्या लगता है हेमंत, जिस तरह से बदलाव किया गया है, ईवीएम मशीन से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है, मतदान करेंगे, तो क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर भी कुछ सियासत गरमा सकती है क्या? देखिए, जब नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हुआ था, उसी समय जब राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये घोषणा की थी कि इस बार चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होगा, तो उसी दिन से तो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, चाहे जनता कांग्रेस जोगी की बात की जाए, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन फैसला जो राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया था, उसके तहत चुनाव होगा। वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव ना हो, और इसमें ये समझाइश दी गई थी कि जो एक तरीके से टाइम है वो काफी लगेगा, क्योंकि बैलेट पेपर में अगर चुनाव होगा तो उसके बाद जो काउंटिंग है, काउंटिंग में काफी लेट भी होगी, ऐसा मानना था, ऐसा वजह है सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है, और 18 जो पहचान पत्र हैं उसको इसमें मतदान के लिए लागू किया गया है। 18 में से एक भी पहचान पत्र अगर किसी मतदाता के पास है तो वो डाल सकेगा। अगर आज की बात की जाए तो आज मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा, सामग्री का वितरण उन्हें अभी किया जा रहा है, सामग्रियों का वितरण का कार्यक्रम है वो रायपुर के अलग अलग जगहों पर शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत इस जानकारी को साझा करने के लिए। और कोटा